आवाज नहीं। जुन साहब बोल पड़े उससे क्वेश्चन सुनूंगा। ये पीछे बैठी तीनों हरियाणा की कृषि को कितने भागों के अंदर बांटा था? दो को है बैठी बैठी। आज पॉपुलेशन कम है इस क्लास का, एग्जाम चले हुए हैं। चलो भाई एग्जाम भी देना जरूरी है, थारा भी कोई आओगे एग्जाम है, तारे कागजे पतेंगे मेरे ख्याल में। अरे एग्जाम दे दे रहे आग्रो। वैकेंसी निकल चुके हैं भाई, तने सांस के बता देंगे। अरे सुन तो लो, नहीं मेरे दोस्त से मैं उसी को बोलता हूं जहां पर अपनापन दिखता है, ठीक है। बुरा मानने की क्या बात है भाई, बुरा एक बात बताओ, बुरा किस चीज का मानना? चलो भाई छोटो रे इस बात ने बस रे। एमटीएस में है भाई, एचएसएससी में भी है, दोया को तो मैंने बेरा है। और आप लोगों को ना पता हो ना, अगर वैकेंसी का ना पता लगे, अंकित सर का यही तो काम है, आपको बताएंगे जाओ। लेकिन जब तक उनके पास नहीं जाओगे आप लोगों को कैसे पता लगेगा भाई? जाकर पूछो भाई, आपको ना पता लगे रिसेप्शन पर बैठते वहां पर जाकर पूछ लो कि सर वैकेंसी कौन कौन सा निकला हुआ है, आप लोगों को हर चीज का डिटेल देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई आज मेरे दोस्त से मैंने पिछली क्लास के अंदर देखो एक पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, और वो बताया था मैंने आप लोगों को हरियाणा की कृषि के बारे में, और मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे कि हरियाणा की जो कृषि जो था ना उसको मैंने कितने भागों के अंदर बांट दिया था, तीन भागों के अंदर बांट दिया था, और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए मैंने आप लोगों को बारीक से बारीक बताने का कोशिश किया था। लेकिन जैसे जैसे इस टॉपिक के अंदर अंदर जाते जाते हैं ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट होता जाता है जितना आप सोच भी ना पाओगे। यहां से मैंने कई एग्जामों के अंदर क्वेश्चन देखे हैं, ये नहीं कि हरियाणा हरियाणा के एग्जामों के अंदर क्वेश्चन ना जाते हैं, कई बार मेरे दोस्त यहां से कई क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे दोस्त जो हमने बाहर के एग्जामों के अंदर भी देखा। हरियाणा से हटकर अगर आप कहीं और जाओगे ना वहां पर भी मैंने इन क्वेश्चनों को देखा है। तो आज इससे आगे की शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हरियाणा के अंदर मैं दो से टॉपिक चला हुआ है हरियाणा की कृषि का। मैंने आप लोगों को एक बात बताया कि हरियाणा की कृषि को तीन भागों के अंदर बांटा गया था, और ये बात आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बता करके मैंने टॉपिक को समाप्त कर दिया था, यही बात होगा। तो आगे शुरुआत कर दें भाई। तो आज इस क्लास के अंदर मैं दो से सेकेंड पार्ट उस कृषि का, तो यहां से सबसे पहले क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है दोस्तों क्या कि हरियाणा के अंदर पहला क्वेश्चन लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है जो अब बताने वाला हूं कि हरियाणा की या हरियाणा के अंदर फसलों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है, को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो यहां से यह क्वेश्चन आपको लेकर के चलना है कि हरियाणा के अंदर में दोस्तों फसलों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। आपको याद रखना है दोस्तों कितने भागों के अंदर, तीन भागों के अंदर, ये बात याद रख लोगे। अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि हरियाणा की कृषि कितने प्रकार, तीन प्रकार से कृषि होता है हरियाणा के अंदर, आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि हरियाणा के अंदर जो फसल जो होती है उस, आवाज क्यों, कोई दिक्कत है बताओ, अगर दिक्कत हो तो। मुझको एलर्जी तब होता अगर पढ़ाने लगे तब कोई बीच में बोल पड़ता है भाई, सत्य बताऊं तो। वैसे पूछ लो आप, मजाक करना है करो भाई, मुझको कोई एलर्जी तो ना होता, लेकिन जब पढ़ाना शुरू कर दिया फिर बीच बीच में क्या की बतलाओ हो।
समय पर सारी चीज होंगी। के को थी बता क्या बतावे नहीं। तीनों एक जैसी बैठी है गति खान खान की गति करे भाई शुरू ही इब ना बोले ये पूरी क्लास बिचारिया ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना होगा यू नहीं पूछे इविन गन्नू हो रहा बेरा कोड बचुको होगा है नी लिखो बे। हरियाणा के अंदर फसलों को कितने प्रकार के अंदर बांटा गया, फसल को कितने भागों के अंदर, तीन भाग के अंदर। पहला कृषि भी कितने प्रकार की थी, तीन प्रकार से होती थी। फसल कितनी होती है, तीन होती है। पहली फसल का जो नाम पड़ता है उस फसल का नाम पड़ता है दोस्तों रबी की फसल। याद रखना पहली फसल का जो नाम रखा उस फसल का नाम रखता है मेरे दोस्त क्या, रबी की फसल। जे रबी की फसल जो है ना यहां से मेरे दोस्त इसका तो दुनिया को पता है कि हम इसको रबी की फसल बोल देते हैं, इसको रबी का फसल बोल देते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर यह पूछ लिया जाता है कि इस रबी की फसल का जो दूसरा नाम पड़ता है इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है। तो इसे फसल को मेरे दोस्त हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं और उसका जो नाम पड़ता है दोस्तों क्या, आषाढ़ी की फसल भी बोला जाता है। यहां से मैंने केवल एक ही बात लिखवाया है। पहली बात मैंने ये लिखवाया कि हरियाणा के अंदर तीन प्रकार से फसलें होती हैं, पहला रबी का फसल, दूसरा खरीफ का फसल और तीसरा जायद का फसल। ये तीन ही होता है भाई। लेकिन मैंने आपके सामने जो सबसे पहला प्रोसेस रखा कौन सी फसल का रखा है दोस्तों, रबी की फसल का रखा है। मान लो एग्जाम के अंदर रबी की फसल ना दे तो इसके स्थान पर आप उत्तर क्या लगा करके आ सकते हो, आषाढ़ी की फसल भी बोला जाता है। बात क्लियर हुआ कि ना हुआ। अब लिखना है इस रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर के अंदर तो बोया जाता है। यहां से ये बात इंपॉर्टेंट है किसको अक्टूबर नवंबर के अंदर बोया जाता है और मार्च अप्रैल के अंदर काट लिया जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि रबी की जो फसल है इस रबी की फसल को आषाढ़ी का फसल बोला जाता है और इस रबी की फसल को निर्दोष बोया कब जाता है और काटा कब जाता है। तो ये फसल जो है ना इसको अक्टूबर के अंदर बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर के अंदर बोना शुरू होता है और काटने का प्रोसेस कब होता है भाई, मार्च और अप्रैल के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा गेहूं की कटाई कब हुआ था, मार्च अप्रैल के अंदर हुआ था कि ना हुआ था। गेहूं की बुआई कब होता है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर। दो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ना हुआ। पहला क्लियर, पहला क्वेश्चन ये कि जो ये रबी की फसल इसको कौन सी फसल बोला जाता है, आषाढ़ी का फसल बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस रबी की फसल को कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। तो बोया तो अक्टूबर नवंबर के अंदर जाता है और काटा कब जाता है भाई, वो काट लिया जाता है मार्च और अप्रैल के अंदर काट लिया जाता है। क्लियर है कि ना है, लिखना है जैसे कौन कौन सी रबी की फसल पड़ती है, जैसे लिखना है ये कौन कौन सी आएंगी कौन कौन सी ना आएंगी। सबसे पहले आपको लिखना है रबी की फसल के अंदर, सबसे पहले लिखना है सरसों। सबसे पहला लिखनी है भाई कौन सी, सरसों। इसके बाद लिखना है जो, पहला आई सरसों, इसके बाद आया जो, इसके बाद तीसरा आता है चना, इसके बाद तीसरा आता है दोस्तों चना, इसके बाद आया गेहूं। याद रखना मैंने चार से पांच फसलों का नाम लिखवाया। पहली फसल कौन सी, सरसों। आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछेगा कि सरसों जो है ना ये रबी की फसल बोला जाता है इसको, या खरीफ की फसल बोला जाता है, या जायद की फसल बोला जाता है। आपको केवल इतना याद रखना, देखो जो इस कृषि से जुड़ा हुआ बच्चा है उसको तो पता लगता है कि किस कौन सी सब्जी का या कौन सी फसल की कब बुआई होती है कब ना होता है। और लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो ये सरसों जो है ना इस सरसों को मेरे दोस्त किसका फसल बोला जाता है, रबी का बोला जाता है। जो किसको बोला जाता है, ये भी बोला जाता है रबी का। तीसरा चना किसको बोला जाता है, रबी का। और चौथा गेहूं किसका बोला जाता है, इसको भी रबी का। आप सोचोगे एग्जाम के अंदर क्या सर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेहूं किसका फसल माना जाता है, रबी का या खरीफ का, पूछ भी सकता है। लेकिन अगर आप इनकी गहराई के अंदर जाओगे, मैंने यहां पर चार फसलों के नाम
लिखा है, गेहूं लिख दिया, चना लिख दिया, गेहूं लिख दिया, चना लिख दिया, सरसों लिख दिया, जौ लिख दिया, लिखा कि ना लिखा। एग्जाम एग्जामिनर ये क्वेश्चन तो डाल सकता है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जौ की खेती कहां पर होती है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा चना कहां पर होता है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सरसों कहां पर होती है, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामिनर एग्जाम के अंदर डाल सकता है कि ना डाल सकता। आपको केवल यहां से इतना ही याद रखना है, मैंने फसल का नाम बताया रबी का फसल, इस रबी की फसल को किसकी फसल बोला जाता है, आषाढ़ी की। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका इस फसल से कि ये किसकी फसल है, आषाढ़ी का। दूसरी बात आपको ये याद रखना है, यहां से इसको अक्टूबर नवंबर के अंदर बो दिया जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर काट लिया जाता है। जैसे मैंने फसलों को नाम लिखवाया, गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर भी आता है इसके अंदर, मटर भी चाहो तो लिख सकते हो, अनेकों फसल आएंगे वो बता दूंगा आप लोगों को। पहली रबी की फसल क्लियर है कि ना है, मैंने यहां से बताया ये क्लियर है कि ना है। इसके बाद दूसरी फसल का नाम लिखना है दोस्तों, क्या नाम पड़ा, खरीफ का फसल। तो दूसरी जो फसल आया उस फसल का नाम पड़ता है दोस्तों, क्या नाम पड़ा, खरीफ का फसल। जो खरीफ का जो फसल है ना, इस फसल का भी एक दूसरा नाम पड़ता है। इससे पहले तो मैंने क्या बताया था, नाम बताया था, उसको आषाढ़ी का फसल बोला जाता है, लेकिन इस फसल का भी एक दूसरा नाम पड़ता है। इसका दूसरा नाम पड़ता है, इसको सावनी की फसल बोला जाता है। यहां से इस बात को याद रखना, इस खरीफ की फसल का जो दूसरा नाम पड़ता है, इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या पड़ा, इसका दूसरा नाम पड़ता है सावनी की फसल। बात क्लियर हुआ। फिर ये बात आया, पहले तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इसको कौन सा नाम दिया गया है। फिर दूसरी बात ये आता है कि इस फसल को बोया कब जाता है और काटा कब जाता है। ऐसा कोई बच्चा है पूरी क्लास के अंदर जो खेती करता हो और मुझको ये बता सकता हो कि सर मैं बताऊंगा इसको बोया कब जाएगा और काटा कब जाएगा। जो गलत होगा कोई ना भाई, बता सकता है खेती कितने करते हैं, खेती कितने करते हैं, लड़कों के अंदर कोई ना खेती करता, हाँ के करना करे हैं, सन्या नहीं दोस्त के कर लाग रहा है, बोन तो लाग रही है, बिना कौन सा चल रहा है, नूनी बेरा तो नूनी बेरा बिना कौन सा लाग रहा है, आ नुका जीवा तो भीतर की बात तो है, बताया नहीं करते दोस्त, चलो आप आ? ये महीना कौन सा है मैंने ये पूछा, अरे निकम्मे जुलाई, जून जुलाई के अंदर तो इसको बोया जाता है, लिख लो भाई इसको जून जुलाई के अंदर तो बोया जाता है, इसको बोया कब जाता है, जून जुलाई के अंदर, और इसको काटा कब जाता है, अब ये बता दे, तो इसको कौन सी अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक सीजन में चाह पी कर इसको जून जुलाई के अंदर बोया जाता है और इसको अक्टूबर नवंबर के अंदर काट लिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी तो बोला साथ में, बोला है नहीं बोला तो कोई ना भाई, ठीक है आपका। इसको बोया कब जाता है भाई, अरे बोलो, और काटा कब जाता है, अब लिखना है जैसे फसल लिखना, कौन कौन सी आएंगी, सबसे पहले लिखना है दोस्तों नाम पड़ा, सबसे पहले जो फसल आएगी ना इसके अंदर आता है चावल, तो देखो सा चोड़ लिख ले, पहली फसल आई चावल, चावल के बाद लिखना है कपास, चावल के बाद क्या आया भाई, कपास, कपास के बाद आता है दोस्तों मक्का, कपास के बाद आया मक्का, मक्का के बाद आता है बाजरा, पहला आया चावल, कपास, मक्का, बाजरा, उसके बाद आता है अरहर, अरहर, और उसके बाद आता है दोस्तों क्या, तिल। तो यहां से ये बात आपको याद रखना है, जितनी भी फसलों के मैं
मैंने आप लोगों को ये नाम लिखवाए है ना, ये नाम जो आते हैं चावल हुआ कपास हुआ, उसके बाद इसके अंदर गन्ना भी ले सकते हो। गन्ना गन्ना तो खाया होगा भाई, गन्ना तो खाया है। कौन से काम तावे अच्छे तो है नारायण तटाणी का है पढ़ ले ठीक से दोस्त। तुम लोगों के पास मर्यादा ना है, मेरे पास मर्यादा है। अगर तुझको मर्यादा ना देखे ना बाहर मिलना ठीक है, तुझको मर्यादा उसको फिर तुझको ओवरडोज दिखाऊंगा। हमारे पास मर्यादा होती है कि ना होती भाई? निकम्मा लाइट लाइट चला हुआ है, निकम्मा मुझको मरवाओगे तुम। हाँ यही चीज यूट्यूब के ऊपर जाती है, यही चीज एपो के ऊपर जाती है भाई। हाँ भाई मैं पहले तो फेमस हूं भाई, तारे भागना चाहे ना मैं शुरू तो हूं भाई। कति अपनी तो एक छवि है भाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली क्लास भी था हमने इसे देखी होगी राज भी सीए ना, तो कोई चाहे एक साल बैठ कर चले जाइयो बदलाव कोई पावे को नहीं। अरे मैं तो इतना ही कहूँ दोस्तों, मजाक के साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, ना पढ़े तो पछताओगे भाई। थोड़ा भी पढ़ लिया ना, थोड़ा भी पढ़ लिया तो घना काम आओगा, घना काम आओगा। कि तो नौकरी लगे ज्ञान तो गिल्ला पाओगा, पाओगा कि नहीं पाओगा, और वो ज्ञान घना काम आओगा। छोरिया तभी करना रहा, छोरी आगे तो काम आवाया हुआ है ना पड़ी ना। आजकल गामा में सिलाई वाला काम खत्म हो लिया, पहले नुका जाते घर के सिलाई सिखा दो और अपना थारा रोजगार चल पड़ेगा। इब तो नु देख लियो घर के ला मशीन आवे सब ने अपने अपने सीमे है, लोग सीमे है कि नहीं सीमे है। और भाई मान लो था हम सीमन भी लागे ना समझ माया लुगाइया का थरे सुन सीमना फिर के करोगे। थोड़ा मोटा ज्ञान ले लियो, गांव में हर गाड़ में कम से कम ट्यूशन सेंटर तो है, 20-25 बालका न पढ़ाओगे ना, जब भी थम 14-15 हजार रुपया अपना घर बैठी राम तक खाट पर बैठ कर काटोगे कती भिंडी चीरा जाइयो और अपना पढ़ा जाइए है यूं कर ले। यह बात तो तुम लोगों के अंदर कला है, उसको कर सकते हो, कर सकते हो कि ना कर सकते हो। गांव के अंदर ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो साथ के साथ में तो अपना कार्य करती है, अपना खर्च उठाती है, जेब खर्च उठाती है पढ़ाकर बच्चों को। ना पता हो तो आप लोगों को थम खान खान के है नहीं लिखवा के लिख लिया भाई, खरीफ की फसल लिख लिया। इसके बाद तीसरी फसल लिखना है जायद का फसल, इसके बाद तीसरी फसल लिखना है, उस फसल का नाम पड़ता है दोस्तों क्या, जायद का फसल। पहली आई रबी की, दूसरी आई जायद की, और इस जायद की जो फसल जो है ना, इस जायद की फसल का जो दूसरा नाम पड़ता है, इसका दूसरा नाम पड़ता है दोस्तों क्या, इसको चारा की फसल भी बोला जाता है। मैंने तीन फसलें बताई हैं, पहली आषाढ़ी, दूसरी सावनी और तीसरी कौन सी आया, चारा की फसल बोला जाता है। इस चारा की फसल को मार्च के अंदर तो बोया जाता है, इसे जायद की फसल को मार्च के अंदर तो बोया जाता है, और इसको जून जुलाई के अंदर क्या कर लिया जाता है, सॉरी मई जून के अंदर इसको काट लिया जाता है। मार्च के अंदर तो बोया जाता है और मई और जून के अंदर क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। यह बात हमने याद रखनी है रे, जो खरीफ की फसल जो है ना, इस खरीफ की फसल को किसकी फसल बोला जाता है, चारा की फसल बोला जाता है। और इस चारा चारा लिखा है मैंने क्या, अच्छा जायद की फसल को बोल, हाँ जायद की फसल जो है ना, इसको कौन सी फसल बोलते हैं भाई, चारा की फसल। इसको बोया कब जाता है, मार्च के अंदर, और काट लिया कब जाता है, मई और जून के अंदर। लिखना है जैसे कौन कौन सी आती है, लिखो जितनी भी बेल वाली फसल जो है ना, वो सारी की सारी इसी के अंदर आओगी। लिखो खीरा हो गया, काकड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, वो सारी की सारी क्या है दोस्तों, जायद की फसल है। लिखो जल्दी जल्दी, खीरा काकड़ी, खीरा हो गया, काकड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, भिंडी हो गया,
भिंडी हाँ भिंडी भी तो नू देख ले चाल रही थी कि नहीं चाल रही थी, कहीं की खत्म हो, खीरे चाल रहे थे कि नहीं चाल रहे थे, तरबूज चाल रहे थे, खरबूजे चाल रहे थे, खत्म हो गए ना सीजन के हिसाब से, गए कि नहीं गए। वो कौन सी फसल मांगे भाई, जायद की मांगे, चावल कौन सी की माँ होगा, और गेहूं कौन सी की माँ होगा, सरसों कौन सी की माँ होगी, आओगी कि नहीं आओगी, जो गन्ना, गन्ना आएगा खरीफ की फसल के। क्लियर है? यहां तक किसी व्यक्ति का कोई डाउट हो तो मुझको बता सकता है। क्लियर है भाई? अब मेरे दोस्त से, हाँ हाँ वो तो मैं शेयर ही माँ होगी, मतलब दिवाली तो रजा के खत्म होंगी, लड़की से भाई साहब हर चीज तो बच लियो दोस्त। देखो जितने बैठे की बात को सारे काम कर लियो, घर आ गया ना बोइयो भाई, यार तोरी ना बोइयो भाई, खास कर इस समाज तक हूं मैं, देखिए इस लाइन तो इस लाइन में जितने ही बैठे हैं, रुचि हो आगरे घर आ गया तोरी लगाने की, छोरिया मैं लगा तो दोगे, जब लगन लाग जाओगी ना भाई साहब, मैं कौन दूसरा प्रोडक्ट बनाई ही नहीं, जब तू नहीं खत्म होंगी, एक दिन गिया अगले दिन तोरी, अगले दिन गिया के कोफ्ते, अगले दिन फिर तड़की गिया का रहता, मैं खुआ खुआ गिया पर का बनाते हैं करती है कि नहीं है, सबके घर की बात है रे। सीजन पे है ना, सीजन पे मैं कहूंगी यार कतीनू दिख जाना गया फ्रीज में भी धरी, इजाजी करे ना बाहर बगा का मार, और बगा नहीं सकते घर के, हम ना बाहर बगा देंगे, है नहीं बनाऊंगी के भिंडी वह हमने पसंद नहीं, हेलो भिंडी ने जो चीज हमने पसंद, आज देख लियो घर के जितने ही बैठे हो ना, हम सारा का बाण सबका पावे पावेगी कती, आज घर आजा कहना अपनी बेबे तो कुछ नहीं कहना, आज वह चीज बनवाइयो जो थारी पसंद की चीज है, कोई सी सब्जी पसंद की और घर में धरी हो भाई साहब, बनावे नहीं, बनावे नहीं गी, और उसका चार बात मकसे मस्का नहीं मार दिया, अगर हम मार दिया आए बेबे तेरे पर की, तो यह सब्जी कोई बना ही नहीं सकता, तूनू माँ तेरा ब्याह पछ मारा क्यों होगा, एक कुकर सब्जी खाओगे, मैं कहूँ सांझ गए ले हुआ सब्जी तड़की क्या कहा जी हो, सांझ गए सब्जी बनी पाओगी, कदे कोशा घर वाली तो जाकर कल नाग जा वाह ना बना बना सकेगी बेबे, घर वाली नहीं बनाओ, घर वाली इन सारी चाल का बेरा रहे यार, लिखो धमक है। अब लिखना है बस रे, हरियाणा के अंदर अब आगे लिखना है दोस्तों, जितनी भी फसल है ना ये बताऊंगा कौन सी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, लिखना है हरियाणा के अंदर किस फसल की खेती सबसे ज्यादा होती है, अब लिखना है हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर किस फसल की खेती सबसे ज्यादा होती है, ये बात आया हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी फसल है जिसकी खेती सबसे ज्यादा होती है, तो आपको याद रखना कईयों के मुख के अंदर एक बात आया होगा कि सर यहां पर क्या लिख दो, चावल लिख दो, यही बात आया होगा आप लोगों के मन के अंदर, लेकिन हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा खेती होता है ना दोस्तों, वो खेती होता है आपको याद रखना है किसका, गेहूं का, याद रख लोगे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खेती किसका होता है, गेहूं का होता है, अब लिखना है और पूरे हरियाणा के अंदर लिखो, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खेती किसका होता है, गेहूं का होता है, और पूरे हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा गेहूं होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, एक तो क्या है कि सबसे ज्यादा फसल मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा कौन सी फसल का खेती होता है, गेहूं का होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछेगा कि सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, तो आपको इसका जो उत्तर लगा करके आना है, इसका उत्तर लगा करके आना है दोस्तों कहां पर, सिरसा के अंदर, याद रख लोगे हरियाणा के अंदर किस फसल की खेती सबसे ज्यादा हुआ, ये हुआ दोस्तों किसका, गेहूं का, दूसरी बात मैंने आपको लिखवाया है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कहां पर होता है, आपको याद रखना है सिरसा के अंदर, अब सतार लगा करके एक बात लिख लो, पूरे हरियाणा का, लिखो जल्दी जल्दी, पूरे हरियाणा का गेहूं उत्पादन में, पूरे हरियाणा का गेहूं उत्पादन में
कौन सा स्थान पड़ता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे हरियाणा का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान पड़ता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा? चौथा स्थान याद रखना है। लिख लिया भाई, गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा नंबर आवे है? चौथा स्थान आवे है। पहले नंबर पर लिखो हरियाणा के अंदर जो आएगा, सबका पहला नंबर आओगे भारत में उत्तर प्रदेश। देखोगे यूपी में जाओगे उड़वी बतेरा गेहूं उत्पादन हुआ है, पहला नंबर किसका आया रहे? उत्तर प्रदेश का। दूसरा नंबर आता है दोस्तों पंजाब का, पहला उत्तर प्रदेश दूसरा पंजाब, लिख लिया। तीसरा नंबर आता है, देखा होगा ना थमने, एक देखा बोरी आदमी घना गामा में घना हो जाकरे नु कहे हम तो एमपी वाला गेहूं खावे हैं, मेरा होगा कि नहीं देखा होगा। तीसरा स्थान आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का, पहला उत्तर प्रदेश दूसरा पंजाब तीसरा एमपी, और चौथा स्थान आता है दोस्तों कहां का? हरियाणा का आता है। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। गेहूं जो आता है वो कौन सी फसल के अंदर गिना जाता है? रबी की फसल के अंदर गिना जाता है। क्लियर हुआ कि ना हुआ? गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा नंबर लिखेंगे भाई? चौथा स्थान। अब लिखना है, लिखो जल्दी जल्दी। पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फसलें किस जिले के अंदर होती हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फसल, सबसे ज्यादा जो फसल की खेती होती है किस जिले के अंदर, उस जिले का नाम पूछा गया। सबसे ज्यादा खेती कहां पर होती है? आपको याद रखना है दोस्तों कहां पर? सिरसा के अंदर। जितने भी प्रोडक्ट अब आप लोगों को लिखवाऊंगा ना, उनमें से आधे से ज्यादा तो कहां का उत्तर निकलता है? सिरसा का निकलता है। तो सबसे ज्यादा फसलें कहां पर होती हैं? सिरसा के अंदर। आप लिखना है हरियाणा के अंदर, आगे लिखो जल्दी जल्दी, हरियाणा के अंदर जो सबसे कम फसलें होती हैं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फल कहां पर? सिरसा के अंदर। सबसे ज्यादा फल मतलब जितने भी आओगे सिरसा के अंदर, सब्जियां सिरसा के अंदर, और सबसे कम फल व सब्जियां जो होती है वो होती है दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर। सबसे ज्यादा फल व सब्जियां कहां पर हुई? अरे बोलो ना, सबसे ज्यादा फल व सब्जियां कहां पर और सबसे कम फल व सब्जियां कहां पर हुई? महेंद्रगढ़ के अंदर। अब एक बात सुनो, बात ध्यान से सुनना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्वेश्चन लिखवाया है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, तो उत्तर क्या लगाओगे आप? सिरसा लगाकर क्या होगे कि ना लगाकर क्या होगे? लेकिन यही क्वेश्चन मैं एग्जाम के अंदर डालता हूं, और वहां पर मैंने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया, थोड़ा सा किया, ज्यादा ना किया, और वहां पर यह लिख दिया कि हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा मोटा अनाज पाया जाता है। बात समझे? सबसे ज्यादा गेहूं तो सिरसा के अंदर है, लेकिन जो मोटा गेहूं जो है, मोटा जो अनाज है वो कहां पर पाया जाता है? तो मोटा अनाज पाया जाता है दोस्तों कहां पर? हरियाणा के अंदर एक जिला पड़ता है, उस जिला नाम पड़ता है हरियाणा का भिवानी जिला। तो याद रखना मोटा अनाज कहां पर पाया जाता है? भिवानी के अंदर पाया जाता है। क्लियर है भाई? मोटा अनाज की तो गया, गेहूं की तो गए। गेहूं उत्पादन में भारत के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान आया? गेहूं किस फसल के अंदर गिना जाता है? रबी की फसल को बोया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर के अंदर बोया जाता है। काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल के अंदर। क्लियर है दोस्तों यहां पर? अब एक तरफ फसल लिख लो और एक तरफ उनके स्थान लिख लो। लिखो जल्दी जल्दी, एक तरफ फसल लिखना है और दूसरी तरफ दोस्तों क्या लिखना है? स्थान लिखना है। कौन सी फसल सबसे ज्यादा किस स्थान के अंदर होती है या जिले का नाम पूछेगा। क्लियर है? लिखे, अब शुरुआत करें भाई। अब लिखना, एक बात लिखना है, हरियाणा के अंदर एक फसल होती है जिसका बड़ा चाव से एग्जामों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है,
और उसका नाम पड़ता है दोस्तों क्या, कपास। आपने नाम सुना होगा कपास का, सुन रखा होगा कि ना सुन रखा होगा कपास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कपास सबसे ज्यादा होती कहां पर। पहली बात तो आपको यहां से ये लिखना है जो कपास जो है ना इसको हरियाणा के अंदर क्या नाम देते हैं, सफेद सोना बोला जाता है। हरियाणा के अंदर इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, सफेद सोना कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। अब लिखना है हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा कपास होती है, ये कपास होती है दोस्तों कहां पर, सिरसा के अंदर। याद रख लोगे भाई, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहां पर होती है, सिरसा के अंदर होती है। इसके बाद एक बात और लिखना है, आप लोगों ने एक बात और सुना होगा, अगर ना पता हो एक बात और सुना होगा कि हरियाणा के अंदर कई एग्जामिनर ये बताते हैं, कई बुकों के अंदर मैंने देखा है, हरियाणा के अंदर तो काली मिट्टी होती ही ना, हरियाणा के अंदर काली मिट्टी तो है ही ना, लेकिन कपास तो काली मिट्टी के अंदर उगती है। कपास तो किस मिट्टी के अंदर उगेगी, काली मिट्टी के अंदर। क्यों, क्योंकि उस मिट्टी के अंदर चूने के अंशों की मात्रा ज्यादा होती है। तो याद रखना हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहां पर, सिरसा के अंदर। कपास होती है किस मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर। यह लिख लेना, आप लोगों को लिखना है कि काली मिट्टी के अंदर चूने के अंशों की मात्रा ज्यादा होती है, चूना जिसको बोल देते हैं। लिख लेना जल्दी, काली मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर चूने के अंशों की मात्रा, चूने के अंशों की मात्रा ज्यादा होती है। लिख लिया भाई, अब लिखो, लिख चुके हो, अब लिखो भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कपास का खेती होता है, भारत में कपास। लिख लिया, ये तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा किंग हुई भाई, गुजरात के अंदर। भारत में सबसे ज्यादा जो कपास हुआ है आपको याद रखना, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। ये याद रखना, ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां पर मेरे दोस्त सबसे ज्यादा क्या होती है, कपास होती है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहां कहां पर होती है, पहला गुजरात के अंदर नाम दिया, दूसरा हमने किसका नाम दिया, महाराष्ट्र का, और तीसरा नाम किसका दिया दोस्तों, मध्य प्रदेश का, एमपी का नाम दिया। इसके बाद लिखना है चावल, पहला आगे कपास आ गया, दूसरा लिखना है दोस्तों क्या, चावल लिखना है। पहला कौन सा आया, कपास आया, दूसरा मैंने नाम लिखा चावल। चावल सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों कहां पर, करनाल के अंदर। तो आपको यहां से याद रखना है सबसे ज्यादा बासमती चावल कहां पर होते हैं, करनाल के अंदर होते हैं। करनाल के इसी चावलों के कारण यहां सबसे ज्यादा चावल होते हैं, इसी कारण से करनाल को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। लिख लिया भाई, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा चावल की खेती कहां पर होती है, ये होती है दोस्तों कहां पर, करनाल के अंदर होती है। करनाल के बाद आओगा कैथल, लिखो जल्दी जल्दी, करनाल के बाद सबसे ज्यादा चावल कैथल में, कैथल के बाद आया कुरुक्षेत्र, कैथल के बाद कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद आता है दोस्तों जींद। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है, चावल होता है। लेकिन इन चारों में से भी सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तर क्या लगा कर क्या आना है, करनाल लगा कर क्या आना है। लिखना है अब क्वेश्चन, फिर लिखना है कि हरियाणा के अंदर चावल तो सबसे ज्यादा करनाल के अंदर होते हैं, लेकिन इन चावलों का, लेकिन इन चावलों का जो आयात और निर्यात किया जाता है, लेकिन इन चावलों का जो आयात और निर्यात किया जाता है, वो आयात और निर्यात किया जाता है मेरे दोस्त कहां से, हरियाणा के पानीपत जिले से। उगते वहां पर हैं, लेकिन आयात निर्यात कहां से होगा,
आपको याद रखना है दोस्तों कहां से, पानीपत से होगा। इसके बाद याद रखना हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा ज्वार 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 होती है भाई हरियाणा के अंदर, एक जिला पड़ा नाम पड़ता है हरियाणा का रोहतक जिला। सबसे ज्यादा ज्वार किंगा हुआ रे रोहतक में, सबसे ज्यादा ज्वार की ताया रोहतक के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है बाजरा ज्वार रोहतक, इसके बाद बाजरा बाजरा भिवानी बाजरा भिवानी लिख लिया बाजरा किंगा हुआ भाई। इसके बाद लिखो जौ जौ बाजरा भिवानी जौ भिवानी जौ भी भिवानी के अंदर। इसके बाद लिखना है चना चना अपनी देसी भाषा में के बना रचने बनाए थे चना भिवानी चना आ गया भाई जौ आगे और तीसरा के लिखवा था बाजरा। ये तीनों के तीनों किंग हो दोस्तों भिवानी के अंदर हो। इसके बाद लिखना है दोस्तों क्या सरसों सरसों में हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सरसों होती है महेंद्रगढ़ में। सरसों महेंद्रगढ़ सरसों की तो ही भाई महेंद्रगढ़। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर केला 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 हुआ भाई पते आबाद में केला किते। अरे बोल लो ना यार जब पेपर में आओगे ना अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा केला कहां पर होता फिर देखियो था हम पेपर में एग्जामिनर कहना पेपर में आओगे ना सरसों की तो मैं फिर बताऊंगा था हमने सही क्या था। ऊपर ऊपर से करवाना होता तो ऊपर ऊपर से ना करवाता भाई। जितनी भी फसलें हैं जो इंपोर्टेंट हैं ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी कहां पर है। लेकिन यह बात याद रख लियो यो टॉपिक थारे तो बत्ती छोरिया का याद होगा क्यों सबसे ज्यादा इन चीजा का प्रोडक्ट का इस्तेमाल की नकरना पड़ा है छोरिया ने। आलू ले आवेंगी नू देखियो आलू कितना लेना है प्याज आवेंगे मक्का होगा कुकड़ी भुनिया करो कि नहीं भुनिया करो कुकड़ी देखियो कितना लाए हो कितना ना लाए हो हल्दी है कि नहीं है थारे घर में नू देखियो ना हल्दी कितना है कितना इविन पर देखो मैंने कोई बात नहीं कही भाई बाद में थोड़ी आन पक्ष एक बात पूछूंगा मैं थरता है हम उसका जवाब नहीं दे पाओगे और थारी रसोई से संबंधित वो क्वेश्चन है भाई। लेकिन देखो जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है उस चीज का नॉलेज करना है कि ना करना उस चीज के बारे में पता करो तब निकलेगा भाई। केला कहां पर होता है सबसे ज्यादा। इसके बाद लिखना है दोस्तों खुम्बी खुम्बी या इसका दूसरा नाम मशरूम खुम्बी या मशरूम। खुम्बी सबसे ज्यादा होती है हरियाणा के अंदर एक गांव पड़ता है उस गांव का नाम पड़ता है दोस्तों क्या हरियाणा का सबसे प्यारा गांव नाम पड़ा खुबड़ू गांव। सुना खुबड़ू वाली जाल के बारे में खुबड़ू गांव पड़ा गन्नौर के अंदर और गन्नौर पड़ता हरियाणा के किस जिले के अंदर नाम पड़ता हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। हरियाणा के किस गांव के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादन होता है आपको याद रखना है दोस्तों खुबड़ू गांव जिला सोनीपत के अंदर। अगर मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादन कहां पर होता है लेकिन ये अपडेट हुआ है लेकिन HSSC इसको अपडेट ही ना कर रही भाई HSSC इसको अपडेट ही ना कर रही। जब अपडेट नहीं किया HSSC ने हम इसका उत्तर क्या मानेंगे भाई खुबड़ू को ही मानेंगे। लेकिन 1% अगर खुबड़ू नहीं मिलता है आप लोगों के एग्जाम के अंदर और वहां पर ये क्वेश्चन डाल दिया हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादन कहां पर होता है तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर जो खुम्बी होती है एक गांव के अंदर हो है, उस दूसरे गांव का नाम कोई बता सके पूरी क्लास के अंदर जिसने बता दिया 10 का नोट और सारा ने बेरा सबसे ज्यादा बताऊं किसने बेरा दोस्तों उसका कौन सा अदरसी वाला सबसे ज्यादा उसका जो उत्तर बता सकते हैं
सबसे ज्यादा उसका उत्तर बता सकते इस क्लास के अंदर एक तो लड़का बैठा ही है, क्या नाम है भाई तेरा? अजय। एक तो ये बता सकता है, दूसरा नाम भी बता दूं कौन बता सकता है? दूसरा बता सकता है दोस्तों ये बैठा लाल वाली शर्ट के पास जो बैठा है, क्या नाम है तेरा? अमन। अजय नाम का लड़का, क्योंकि मैं इन्हीं को जानता हूं। एक ये लड़का बता सकता है, एक वो दूसरा बता सकता है, और एक तेरे से पीछे जो बैठा है निकम्मा वो भी बता सकता है। तू पीछे के देख है तू है, तू भी बता सकता है। खुम्बी सबसे ज्यादा की तुम्हारी यार है बताया ना, नोट किया? अरे निकम्मो जब तुम बापोली से चलते हो है? क्या है वो? कौन सी कह आता जो पर मूर्थड़ा कौन सा था? और तो मुछाड़ी कुंभी हो मैं, हाँ कैंडाड़ी है भी मैं, लेकिन वो उस मशरूम के अंदर नहीं गिनी जाएंगी। आप नजदीक पहुंचे थे वो ताजपुर वाले जो थे, अबे कदे तम बापो लीते ब्योली आए हो गए कि नहीं? और ब्योली था थोड़ा सा डेढ़ किलोमीटर एक गांव पड़ा हुरले कन्या मालपर गांव, और था हमने खूंबिया क्यों छपरे छप्पर नहीं दिखे रहे हमने की तो इतने छप्पर नहीं दिखेंगे जितने मालपर गांव में और जितने खुबड़ू गांव में दिख जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो खुम्बी हुए उस गांव का नाम पड़ा है, नाम पड़ता है दोस्तों क्या? शहर मालपुर गांव। देखो सा मालपुर लिख ले, उस गांव का पूरा नाम है शहर मालपुर गांव, तहसील संभाल का डिस्ट्रिक्ट पानीपत। अगर सोनीपत उत्तर ना दे आपको याद रखना है दोस्तों, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादन कहां पर होता है? वो होता है हरियाणा के दो गांव के अंदर। पहले गांव का नाम पड़ा खुबड़ू गांव गनौर सोनीपत के अंदर, दूसरे गांव का नाम पड़ता है दोस्तों क्या? शहर मालपुर गांव जिला पानीपत के अंदर। अब सटार लगा करके एक बात लिखना है, और इस खुम्बी उत्पादन को हरियाणा के अंदर कच्चा मांस कहा जाता है। कच्चा मत लिखना, शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? जब बनाओ हो इसी में लागे जुनू मांस का डुकड़ा गया गोज में पेट में है जो है सो बोल देते हैं। लगे कि नहीं लगे? बनाई होगी कुंभी थमने खाई होगी, ईसा ना लागे जुनू मांस खा कचकची उठ जाए मुंह में कह ना उठ दी, तू खांदा होगा भाई। हम तो शाकाहारी हैं दोस्त, लिख लिया भाई शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? अरे बोलो, कुंभी को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर अड़दी हल्दी के दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले नंबर पर जो लिखवा रखा भाई, क्योंकि मैंने पहले बोल दी थी अपडेट नहीं हो लिया भाई। यो जब इसका उत्तर जब ना है जब यू ना हो पेपर में, समझ गया क्या भे? इसका उत्तर जब लगाना है दोस्त। इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा हल्दी होती है, हल्दी है लगने वाली, सुनियो भैया बात देखो कर तला थारे लगेगी। लिखो हल्दी अंबाड़ा, हल्दी अंबाड़ा प्लस यमुना नगर, हल्दी हुआ अंबाड़ा और यमुना नगर के अंदर, इन दोनों में तो सबसे ज्यादा अड़दियो है यमुना नगर के अंदर। अंबाला को थाम सबसे ज्यादा दोनों में किंगा हुआ है यमुना नगर के अंदर। मान लो अंबाला भी पाजा यमुना नगर भी पाजा, सबसे ज्यादा उत्तर यमुना नगर लगा का आना, दूसरे नंबर पर के लगा का होगे अंबाला लगा का आना। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है आलू, आलू सब्जियां का राजा, इस बने हर चीज अधूरी हा खालू बरगे हो जावे हैं। आलू कुरुक्षेत्र, आलू कुरुक्षेत्र। इसके बाद लिखो गंठा, हाँ तुम समझदार बल नाम तो उनमें कहा करा गंठा लिया रीमा, लिखो गंठा। शॉर्ट में प्याज लिख लो, प्याज ओनियन प्याज हो भाई गुरुग्राम में, प्याज गुरुग्राम
मुझको एक बात बताओ, लड़कियों से क्वेश्चन है, सब्जियों की शोभा कौन बढ़ाता है? क्या बोला आपने? थाम ना बोलो, नी थारी नू नी बेरा की चली जा। सामने खान खान का मतलब आम नई समाज ने खान खान का मतलब बनान का मतलब नहीं बनान वाली बैठी में तेरे खातर एक सूट लिया दू मुझको ये बताओ सब्जियों की शोभा सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? बैठी बैठी गजी लसन हाँ बनाई है कभी सब्जी? नहीं बनाई, सीख ले देवी सब्जी साग बनाना तो सीख ले। आगे से पागे तो जिनका कुछ ना सागे बनाना उनको मान ले ढाबा पा गया तो हाँ आंधी नहीं बनानी और कौन सी नहीं आंधी इसके अलावा बनानी सही बताइए ईमानदार। अब नाश की राय पचा दे रहे हो कती सब्जिया का जो राजा हो ना भाई दे वो बताना है रहता बैठा बैठा तार तबड़िया तो ये कच्चा धनिया तो देखो धनिया सबसे ज्यादा की तो है धनिया कहन दिया अरे के धनिया लेना रहा है धनिया हुआ कुरुक्षेत्र में के क्या है टाटा का नमक धनिया कुरुक्षेत्र इसके बाद लिखो आड़ू 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 सिरसा आड़ू सिरसा आड़ू इसके बाद लिखो सेब 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 लिखनी फतेहाबाद इसके बाद लिखो गुलाब के फूल गुलाब के फूल गुलाब के फूल पानीपत गुलाब के फूल पानीपत लिख लिया चलो लिखो फतेहाबाद गुलाब के फूल फतेहाबाद हाँ अरे बोल दिया लिख लिया कि ना लिख लिया अब सच बता दूं पक्का सच में फतेहाबाद। इसके बाद लिखो और पूरे एशिया के अंदर जो सबसे ज्यादा गुलाब के फूल होते हैं चंडीगढ़ के अंदर बेरा हुआ ना इस बात का तो मेरी पहली बात पर भी तो विश्वास करना था। हरियाणा के अंदर सच में गुलाब के फूल होते हैं पानीपत के अंदर जिसको यकीन हो दोस्तों लिख लो जिसको ना हो मत लिखो गुलाब के फूल पानीपत सच में भाई आ? कैसा लग गया तुम्हें समझा नहीं मैं मन भी गाते बेरा है मन सारी चीज का बेरा भी मैं सूंघ का बता दूंगा किस आदमी है ठीक है जन्म थारा सन तो ले अरे जन्म थारा ही पानी पत्मा हो रहा भाई मेरा भी पानी पत्मा हो रहा है जो गुण थारे में हुए गुण मारे में आवेंगे भाई है कि नहीं जितना बोलना था ना आवा ना उतना ही मन भी आवे है लेकिन लिमिट होती है भाई कुछ लिखा के तू तो रहना बैठा कर तना बगाड़ेंगे में इसने है ना अजय इसना गले का आया कर लिखवा के वही का एक चाचा भी आ गया जिसका चाचा लगा तो थोड़ा दिखता है कोई नहीं पेपर चल रहे होंगे उसके लिख लिया भाई क्या लिखवा है भाई मैंने गुलाब के फूल पानीपत और पूरे एशिया में गुलाब के फूल चंडीगढ़ इसके बाद लिखो रजनीगंधा के फूल रजनीगंधा के फूल फरीदाबाद रजनीगंधा के फूल कहां पर फरीदाबाद इसके बाद लिखो आवड़ा आवड़ा विटामिन सी आवड़ा सिरसा में आवड़ा कित भाई सिरसा में इसके बाद लिखो हरियाणा के अंदर शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है शुष्क फलों का राजा शुष्क शुष्क उनसी का या आंब शुष्क फलों का राजा कहा जाता है बेर को
देर, गरीबों का फल कहा जाता है बेर को, सच में बेर है। लिख लिया भाई, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है भाई। सच में गरीबों का फल और गरीबों का राजा।